नमस्कार सत श्री अकाल। तो क्या है प्यारे भाइयों के, तो भाई आ चुके हैं, आपने देख तो लिया होगा सेरेमेटिक शॉट में, मतलब कि किस चीज़ पे आज जो है वीडियो होने वाली है। तो भाई इसी चीज़ का मतलब ये जो खड़ी है आपके सामने पल्सर NS160, तो आज जो है हम इसका ओनर रिव्यू करने वाले हैं। भाई हैं इसके ओनर जो कि इसको गाड़ी को भाई ने परचेस किया है। तो भाई इसके बारे में, इसकी निगेटिव पॉइंट और भाई इसके प्लस पॉइंट और क्या क्या इसमें एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, दोनों के बारे में इसमें बात करेंगे। और भाई क्या माइलेज देती है और इस गाड़ी को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो सभी चीज़ों के बारे में इसमें बात करेंगे। और भाई जो है पीछे चल रहा है रोड और हम माइक लाना भूल चुके हैं, तो नॉइस जो आ रही हो एक्स्ट्रा उसको इग्नोर करना। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले तो आप अपना नाम बताइए। मोहम्मद बिलाल। तो भाई का नाम है मोहम्मद बिलाल, ठीक है। तो भाई से इसके बारे में बात करते हैं। भाई भाई को ज़्यादा कुछ तो पता नहीं है, मगर फिर भी जो जो भाई को पता है वो सब हमको बताने वाले हैं। तो बिलाल भाई, आपको मतलब कि इस गाड़ी में ऐसा क्या लगा कि जो कि आपको इसको लेना चाहिए था? इसका ये अच्छा लगा। तो भाई स्टार्ट करके दिखा रहे हैं कि क्या चीज़ अच्छी लगी इसकी। तो भाई को जो है इसके अंदर कुछ भी अच्छा नहीं लगा था, मतलब कि जो साउंड था ना, बस सिर्फ भाई साउंड के दीवाने हैं। तो भाई साउंड की वजह से ही लेकर के आए हैं इसको। तो बिलाल भाई जो है इसको सिर्फ साउंड की वजह से लेकर के आए हैं। तो बिलाल भाई, मतलब कि आपने जो है शोरूम में जा करके इसके अंदर सिर्फ साउंड ही देखी है, मतलब कुछ और भी? साउंड तो फिर पल्सर तो पल्सर है। हाँ भाई देखिए, पल्सर तो भाई एक मतलब कि पिकअप के लिए और भाई जानी जाती है आदमी इसके लिए, तो माइलेज तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते आप इससे माइलेज का। मगर जो भाई इसका जो लुक है एक तरीके से यार, बिल्कुल पल्सर ने जो न्यू लुक दिया है ना भाई, अलग ही है। और इसका साउंड तो भाई फिर एक नंबर हो जाता है। तो बिलाल भाई, ये जो आपकी जो गाड़ी है पल्सर NS160 है, ठीक है, तो ये NS160, तो ये जो माइलेज है ये इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप माइलेज के बारे में, मतलब माइलेज कितना निकाल के दे रही है और मतलब क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं इससे? 30 से 40 के बीच में आराम से। तो भाई 30 से 40 के बीच में आराम से ये माइलेज इनको भाई को दे रही है। तो भाई चलाने में मतलब क्या कहना चाहेंगे चलाने के मामले में? मतलब भाई एक नंबर। तो भाई चलाने में तो एक नंबर बता देते ही रेस देसी पीका भाई। मतलब इसके अंदर जो आपको एक कमी लगी हो वो मुझे बताइए कि मतलब कि इसके अंदर ये चीज होनी चाहिए थी और वो कंपनी ने नहीं दी है। कोई भी कमी ना इसमें? कुछ तो लगा होगा कि मतलब कितने दिन हो गए आपको इसको चलाते चलाते? 20 दिन हो गए हैं। तो भाई 20 दिन का ओनरशिप रिव्यू मैं आपको बता रहा हूँ। तो भाई ने अभी तक जितनी भी चलाई है, मैं आपको पहले इसका मीटर दिखा देता हूँ भाई ने चलाई कितनी है। तो भाई 3200 आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई, 328 किलोमीटर भाई ने चला दिए। तो मैंने भाई तुरंत रिव्यू, इसके अंदर रिव्यू भी है और ये ओनरशिप रिव्यू भी है और बाइक का रिव्यू भी मैं अभी बाद में बात करूँ, मतलब जो लोगों के सवाल होते हैं मैं उसी चीज़ के बारे में मतलब कि आपको बता रहा हूँ। तो बिलाल भाई, सबसे ज़्यादा आपने इसको कितनी किलोमीटर तक चला लिए, मतलब एक राउंड में? मतलब जैसे कि 80 किलोमीटर। तो मतलब कोई राइडिंग पोस्चर में कुछ परेशानी, मतलब कुछ पेन वगैरह नहीं? मतलब जैसे कि हाथ में पेन वगैरह होता है, कमर में कुछ ऐसा तो कुछ हुआ ना महसूस? पोस्चर बहुत बढ़िया है इसका, राइडिंग पोस्चर तो भाई आप देख सकते हैं, मतलब कि जो फुट पैड है वो थोड़े से टंके से नीचे को होकर के पीछे की तरफ जाते हैं, और भाई हैंडल तो भाई एक नंबर है ही फिर प्लस इनका। तो भाई ने 80 किलोमीटर चला लिए, कोई भी इनको परेशानी नहीं आई है। और एक और इसका मोटा मोटा सा जो लोगों का सवाल रहता है, तो भाई इसकी जो हेडलाइट का थिरो है वो कैसा है वो आप हमें बताइए। LED है उसमें? जी वो तो LED है इसके अंदर आपको, मतलब कि एक तो यहाँ पर इसके जो है DRL मिल जाते हैं, फिर उसके बाद हाई बीम और लो बीम दोनों इसके अंदर मिल जाती है, जिसको भाई कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया थिरो है उसका, ठीक है। आपको रात को भी किसी दिन हम इसको चला के मतलब आपको दिखाने वाले हैं। तो भाई और इसके साउंड के अलावा जो आपको सबसे बेहतर और चीज़ लगी हो इसकी? इसके यहाँ का मीटर कंसोल भी आप देख सकते हैं, मतलब कि आपको मैं इसको ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ, देखिए क्या तकड़ा बन जाता है यार, ये देखिए भाई।
तो भाई आपको जो है इसके अंदर सारी चीज़ें जैसे कि मिल जाती हैं देखने के लिए, न्यूट्रल की हो गई और टर्न इंडिकेटर के नोटिफिकेशन हो गए, ABS की लाइट हो गई। भाई इसके अंदर जो है डुअल चैनल ABS मिल जाता है। तो भाई उसके बाद टाइम लैंप, मतलब काफ़ी चीज़ें, वोल्टेज वगैरह, साइड मिलर, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, साइड स्टैंड सॉरी। तो बिलाल भाई अभी तक मतलब इसकी सर्विस करवाई है या नहीं करवाई आपने? फर्स्ट सर्विस अभी नहीं हुई है, मतलब होगी इसकी जी। तो चलिए फिर, और जो मैं इसके बारे में जो जानता हूँ मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। तो भाई हमने मीटर के बारे में तो बात कर ली, हेडलाइट के बारे में भी बात कर ली। तो इसके अंदर जो बाहर टायर मिल जाते हैं आपको, काफ़ी अच्छे टायर देखने के लिए मिल जाते हैं इसके अंदर, 170-180 का भाई। तो इसके अंदर डुअल चैनल ABS है, मेरी बाइक में जो है सिंगल चैनल ABS है, बड़ा आगे वाला, ठीक है। इसके अंदर जो मिल जाती है भाई डुअल चैनल ABS मिल जाता है, काफ़ी बहुत बढ़िया है, और डुअल डिस्क वाली है क्योंकि मेरी सिंगल डिस्क वाली है। तो भाई फिर उसके नीचे को थोड़ा सा आते हैं, तो भाई इसका जो मरघाट आप देखेंगे ना, कुछ सेक्सी लुक यार इसको प्रोवाइड किया गया है, मतलब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से। तो आप जो है ना इसका जो लुक है यार इसका मरघाट का, वो एक तरीके से आप देख सकते हैं, मतलब कि जो ग्लोसी है पहले तो मैट का दिया गया है, फिर उसके बाद थोड़ा सा ग्लोसी का जो डिज़ाइन है ना वो भाई एक नंबर दिया गया है, मतलब कि जैसा फेस है उसके तरीके से मैच करने की कोशिश करी गई है यहाँ पर। और शॉकर भी आपको काफ़ी हैवी मिल जाते हैं, ये तो मुझे इसका साइज़ तो पता नहीं है। तो भाई इसके अंदर 160cc का इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि भाई शायद एयर कूल इंजन मिलता है इसमें, और मुझे वो भी कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो फिर पीछे वाले टायर के पीछे मैं बात करता हूँ, तो भाई इसके अंदर जो है आपको 130-70 का आपको इसके अंदर टायर देखने को मिल जाता है, ठीक है। टायर के मामले में तो भाई बहुत ज़बरदस्त है। अब जो मेरा जो टायर है ना वो भी ख़त्म होने वाला है, मैं सोच रहा हूँ इसी तरीके का टायर लगवा लिया जाए, क्योंकि इसकी जो ग्रिप है ना भाई वो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। तो उसके बाद जो आते हैं फिर इसके आते हैं इसके LED टेल पर, तो भाई आप टेल भी इसकी देख सकते हैं, मतलब कि किस तरीके से इसके अंदर टेल दी गई है। पीछे को जो लुक है ना वो काफ़ी अच्छा लगता है जब पीछे से चलती है। तो भाई इसके अंदर जो बस एक मुझे जो माइनस पॉइंट लगा है वो लगा है इसके इंडिकेटर में, अगर इंडिकेटर में LED मिल जाता तो भाई और भी बढ़िया थी, मतलब जिस प्राइस पे ये बाइक आती है ना तो वो उस प्राइस पे जो है ना गाड़ी जो है आजकल, तो भाई जो भी बाइक है इस टाइम इस प्राइस पर आ रही लगभग 1,60,000 के आसपास की, 1.5 लाख रुपये की। तो भाई उसमें जो है ना LED सिस्टम मिल जाता है, एक तो इसमें LED माइनस पॉइंट लगा है मुझे, फिर उसके बाद इसमें हजार्ड का कोई भी स्विच नहीं दिया गया है। बाकी जो इसकी स्विच की क्वालिटी है वो भाई सब चीज़ बहुत बढ़िया है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, मतलब कि जो दबाने में है वो भी मतलब आपको फील होने वाला है। इसके अंदर आपको मिल जाने वाला है चार्जिंग पॉइंट, मतलब कि आप जो है अगर लॉन्ग टाइम पे हैं तो आप इसको चार्ज भी कर सकते हैं। तो भाई इसके अंदर जो फ्यूल यूज़ होने वाला है वो होने वाला है E20, वैसे आप सादा वाला भी इसमें यूज़ करवा सकते हैं, मगर जो सरकार ने अभी न्यू लॉन्च किया गया है E20 के साथ ये आपको प्रोवाइड की जाती है, जिसके अंदर आपको जो है काफ़ी बड़ी टंकी मिल जाती है, ठीक है। तो सबसे मेन जो बात मुझे इसकी लगी भाई, ये जो टंकी है ना ये उसकी ही देखने को आपको, मतलब कि मेटल में टंकी देखने को मिल जाती है, जो मेरी गाड़ी में फाइबर में वो केस नहीं है। इसकी जो सीट देख सकते हैं आप, सीट हाइट काफ़ी बढ़िया है, 800 mm की इसकी सीट हाइट है, ठीक है। फिर उसके बाद जो इसकी पिलियन की हाइट है वो पिलियन की जो सीट है वो थोड़ी सी राइडर से थोड़ी सी ऊंची दी गई है, जो कि भाई काफ़ी चौड़ी है और काफ़ी कंफर्टेबल है पिलियन के लिए, मतलब कि परेशानी नहीं होने वाली आप किसी भी लॉन्ग टूर पर जाते हैं। तो भाई यही था मोटा मोटा जो मुझे पता था इस गाड़ी के बारे में, मैंने वो आपको बता दिया है। तो भाई चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, और इसका ट्रैक रेस देखनी है तो भाई वो हमारे पार्ट 2 में देखने को मिलेगी, मतलब कि भाई कौन सी गाड़ी जीतने वाली है, मतलब इधर वाली और इधर वाली भी। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को कर देना लाइक, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए।